Hello everyone, for the CAT 2024 aspirants, this is the second video of TST PYQs. और पिछले पार्ट में मैंने 10-12 क्वेश्चन कवरअप किए थे और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द TST PYQs. आने वाले टाइम में विद इन आई कैन से 3 to 4 डेज आपको बहुत सारे PYQs के वीडियोज़ मिलेंगे सो दैट यू कैन बूस्ट अप योर प्रिपरेशन. लास्ट मोमेंट में बच्चा जो है वो रिवाइज करता है तो बेस्ट भी होता है PYQ करने का. तो इसलिए आपको बहुत सारे टाइमली PYQs मिलेंगे सो यू कैन कनेक्ट विद द सेलेक्शन क्लासेस. ओके सो और PDF आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सेलेक्शन क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. बोलता है कि लिविंग होम एट द सेम टाइम अमर रीचेज ऑफिस 10:15 इफ ही ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 8 की स्पीड से चलता है तो 10 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 10:15 पे ऑफिस पहुँचता है एंड एट 9:40 अगर उसकी स्पीड हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर तो ये ऑफिस पहुँचेगा 9:40 पे. राइट सो लिविंग होम एट 9:10 AM लिविंग होम एट 9:10 AM एट वॉट स्पीड ही ट्रेवल सो दैट टू रीच द ऑफिस एग्जैक्टली एट द 10 AM. राइट तो ऑफिस पहुंचना है 10 बजे. हाँ ऑफिस पहुंचना है 10 बजे और कितने बजे उसको निकलना है 9:10 पे. तो स्पीड आपसे पूछी है कि किस स्पीड पे उसको चलना चाहिए. राइट तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. तो पहले वाले केस में स्पीड आपके पास 8 थी और अभी स्पीड हो गई 15. तो दिस इज़ अ स्पीड रेशियो. तो टाइम रेशियो कितना होगा? टाइम वुड बी 15 to 8. सो पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा अभी कम लगेगा बिकॉज आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना विद अ डिफरेंट स्पीड तो टाइम गैप आना मैंडेटरी है. तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कितने मिनट सेव कर लिए? तो आई कैन से अभी 9:40 पे पहुंच रहा पहले 10:15 35 मिनट का गैप हो गया. तो मेरे हिसाब से 7 यूनिट का गैप है. 15 - 8 is 7 एक्चुअली एंड दिस इज इक्वलेंट टू 35 मिनट. तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 मिनट बचता है. सो आई कैन बी वेरी श्योर कि पहले वाले केस में 15 जब वो टाइम ले रहा था तो 15 into 5 75 मिनट वो ले रहा था. राइट इसका मतलब अगर वो 75 मिनट ले रहा था तो घर से वो कितने बजे चलेगा? 75 मिनट आपको माइनस करने हैं 10:15 से तो आई कैन बी वेरी श्योर कि 9 बजे वो ऑफिस छोड़ रहा था अपने घर से. अभी वो 9:10 पे चल रहा है तो उसके पास डिस्टेंस आई कैन कैलकुलेट डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर इनिशियली और टाइम लग रहा आपको 75 मिनट. 75 मिनट होता है दैट इज़ 1 घंटे 15 मिनट. तो आई कैन से 5/4 आवर्स. राइट तो आई कैन से दिस इज़ 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आपके पास अभी एट प्रेजेंट 9:10 पे 10 बजे 50 मिनट्स हैं आपके पास. तो 10/50 और आवर में कन्वर्ट करने के लिए 50/60 करेंगे सो इट इज़ अराउंड 12. तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल इसमें था नहीं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इज यूजुअल स्पीड हैंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट लेटर आफ्टर द स्केड्यूल टाइम. ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट बट देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट फॉर एन इमरजेंसी. द परसेंटेज बाई विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड टू रीच द डेस्टिनेशन एट द स्केड्यूल टाइम नियरेस्ट टू राइट. तो बोलता है कि यहाँ पर एक ट्रेन जो है 1/3 स्पीड्स पे चलती है यूजुअल स्पीड से तो जिसकी वजह से 30 मिनट लेट हो जाती है. राइट सो स्पीड का जो रिडक्शन है अगर मैं S1 S2 को देखता हूँ तो 1/3 पे चल रही है. हाँ ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ द तो पहले उसकी स्पीड 3 थी तो अभी 1 हो जाएगी बिकॉज 1/3 का मतलब होता है 1/3. तो पहले उसकी स्पीड 3 यूनिट रही होगी. हाँ एक मिनट मैं इसको हाईलाइटर समझ रहा था. पहले उसकी स्पीड 3 रही होगी तो अभी उसकी स्पीड 1 हो जाएगी. नो इशू इज इन दैट. राइट जिसकी वजह से ऑफकोर्स टाइम गैप आना है बिकॉज डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ से अगर मैं टाइम 1 का रेशियो टाइम T2 का दो टाइम का रेशियो लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा. मेरे हिसाब से 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहे हैं. हाँ लेट हो गया, 2 यूनिट लेट है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 30 मिनट लेट है. तो आई कैन से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 मिनट के आसपास है. तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अगर मैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ मैं स्पीड को 3x मान लेता हूँ इनिशियली. तो इनिशियली आपको 1 यूनिट का टाइम लग रहा था मतलब 15/60 तो 3x/4 डिस्टेंस है. राइट 3x/4 अभी क्या बोलता है ऑन इट्स रिटर्न जर्नी.
द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, अभी यूजुअल स्पीड उसकी 3x है, तो 5 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर सकती है? 5 मिनट में 5/12 के हिसाब से 5/60 एक्चुअली, सो दिस इज गोइंग टू बी x/4. तो x/4 उसने ट्रेवल कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा है? 3x/4 में से अगर मैं x/4 माइनस करूँगा तो वी आर लेफ्ट विद 2x/4 और आई कैन से x/2. तो अभी आपको x/2 डिस्टेंस और ट्रेवल करना है. उसके बाद 4 मिनट उसको लगे हैं इमरजेंसी में, रुका है 4 मिनट की इसकी हॉल्ट है. द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड, कितना उसको बढ़ाना चाहिए सो दैट वो अपने डेस्टिनेशन जो है वो सही समय पे पहुँचे, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ उसको पहुँचने के लिए कितना समय लगता है, यूजुअली उसको 15 मिनट लगने चाहिए. कितना? 15 मिनट लगने चाहिए. अभी बात को समझो, तो आई कैन से कि आपको 15 मिनट लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. आप ऑलरेडी 5 मिनट चल चुके हो और 4 मिनट का आपको हॉल्ट चाहिए, तो बैलेंस कितना मिनट बचा है आपके पास? 6 मिनट. और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करने के लिए बची है? दैट इज़ x/2, राइट. तो स्पीड कितनी आनी चाहिए आपके पास? अभी x/2 डिस्टेंस है और इसको आपको 6 मिनट में ट्रैवल करना है, तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा आवर में, क्योंकि हर चीज़ को मैंने आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है. सो स्पीड आ जाएगी आपके पास 5x. तो यूजुअल स्पीड है, अगर मैं स्पीड यूजुअल की बात करता हूँ वो है 3x, और जो न्यू स्पीड है उसको 5x करना पड़ेगा. तो उसको कितना स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 2x इंक्रीज करना पड़ेगा ओवर 3x, एंड दिस इज़ अराउंड 67% उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना स्पीड. तो 67 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यू कैन सी, राइट. सो ये भी क्वेश्चन अच्छा था. अगर आप रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो इट इज़ इजी, एल्स आप बहुत सारे फॉर्मूले लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे, आपका मन है तो आप इसको लगाते रहिए, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन अगेन, राइट. राम रन्स फ्रॉम ए टू बी, ए और बी 2 पॉइंट हैं. राम जो है ए से बी जाता है एंड रहीम जो है वो बी से ए आता है. दे क्रॉस ईच अदर, राम एंड रिच. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैंने कितनी बार आपको सिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो मिले होंगे. एंड राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन 1 मिनट एंड 4 मिनट. तो राम को यहाँ से 1 मिनट लगता है और रहीम को यहाँ से 4 मिनट लगते हैं, और ये साइमल्टेनियसली चलते हैं इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम. तो कैन यू से, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो मिलने के लिए भी आपको सेम समय लगेगा, राइट. मिलने के लिए भी सेम समय लगेगा. इसका मतलब अगर मिलने के लिए सेम समय लगेगा तो दोनों को टी समय लगेगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये जो टाइम है ना दूर जाने वाले सेपरेशन वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देना है. तो आई कैन से स्क्वायर रूट होकर 2 मिनट. तो 2 मिनट में इन्होंने ट्रैवलिंग करा है मिलने तक का. द रेशियो ऑफ द राम की स्पीड टू रहीम की स्पीड, राइट. तो अगर मैं राम की स्पीड और रहीम की स्पीड की बात करता हूँ, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो टाइम टेकन बाई राम एंड टाइम टेकन बाई रहीम फॉर विच बैच, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए. मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टेंस AM के लिए ले लेता हूँ. तो AM डिस्टेंस को राम 2 मिनट में ट्रैवल कर सकता है, इसको रहीम ने 4 मिनट लिए. तो टाइम का रेशियो 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा. तो राम की स्पीड और रहीम की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो राम की स्पीड डबल होगी, दैट इज स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ रहीम, नीचे आ रहे मतलब रहीम, 2:1. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा इसमें, नॉट सी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर बनेगा, राइट. तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें, तो डी करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. नाउ टू सर्कुलर ट्रैक T1 एंड T2 ऑफ रेडियस 120 मीटर टच ईच अदर एट द पॉइंट A. एक तो एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटू सर्कल है. इसका रेडियस 20 मीटर है और इसका जो रेडियस है वो 100 मीटर है, राइट. नाउ एंड दे आर टचिंग एट द पॉइंट A. नाउ राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक T1. तो ये ट्रैक T1 है, ये ट्रैक T2 है, इस पे राम चल रहा है, इस पे रहीम चल रहा है, और स्पीड दे रखी है 15 km/h राम की और रहीम की दे रखी है 3 km/h. सो
सॉरी नॉट थ्री फाइव माई मिस्टेक इज 5 km/h राइट 5 km/h. तो क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहली बार जब वो मिलेगा तो कितना जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेगा राम, फुल राउंड कितने कंप्लीट कर लेगा, राइट? ये क्वेश्चन है. सो इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली अगर मैं बात करता हूँ कि इनको वापस से मिलना है, बट वापस से मिलने के लिए एक ही पॉइंट है कि उनको ए पर ही मिलना पड़ेगा, देन आई कैन से कि दे आर मीटिंग एट द फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर बना लेता हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए इस क्वेश्चन में समझने के लिए. दिस इज़ द पॉइंट ए, इस पे राम भाग रहा है, वो किधर भी भाग सकते हैं, उसका डायरेक्शन को कोई मसला नहीं है. और रहीम को हम ऐसे भगा लेते हैं. राम की स्पीड इट इज़ गिवन टू अस 15 km/h एंड इसकी दे रखी आपको 5 km/h. और यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो 100 m है और ये दे रखा आपको 20 m, राइट? सो क्वेश्चन ये है कि आपको जो टाइम मिलेगा मिलने के लिए ए पॉइंट पर आने के लिए, क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? दो रनिंग में उनको सेम टाइम है, बट ए पॉइंट पे वो सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली कब आएंगे, ये बड़ा चेक करने वाला पॉइंट है, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ टाइम टेकन बाई राम टू कम्प्लीट वन राउंड, राम को एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई राम और स्पीड ऑफ राम, एंड वट इज़ द टाइम टेकन बाय रहीम. तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रहीम टू द स्पीड ऑफ रहीम, यही तो मतलब है. सो वट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई राम, तो 2πr, r इज़ एक्चुअली 100 और उसकी स्पीड दे रखी है आपको 15. आप चाहें तो मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो रहीम के लिए. सो 2π × 20 और इसकी स्पीड 5 दे रखी है और ये अपॉन 1000, राइट? तो इसका कोई सेंस है नहीं, 2π का भी कोई सेंस नहीं है, 5 से 3 चला जाएगा. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5/3, राइट? आप इसको चेक कर लेना. ऊपर कितना बचा है भाई, नीचे बचा है, दैट इज़ आई कैन से 5 × 3 = 15 हो गया, तो 100/3 तो नीचे बचा है और 20/1, तो यहाँ से आई कैन से कि 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/3 × 20 और ये हाँ 5:3. सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ टाइम, मतलब राम को 5 यूनिट टाइम लगेगा और इसको 3 यूनिट लगेगा. तो अगर मैं बात करता हूँ इन 15 यूनिट्स, अगर दोनों का टाइम हमने 15 यूनिट्स ले लिया LCM, तो 15 यूनिट में राम भी वहीं पे आएगा और रहीम भी वहीं पे आएगा. आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट आर द नंबर ऑफ राउंड्स? सो अगर मैं राउंड्स की बात करता हूँ, राइट, 15 यूनिट में बोथ हेट ए, तो दोनों ही ए पर होंगे, तो इतनी देर में राम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, हाँ, तो टाइम यहाँ पे 5:3 का रेशियो है. तो अगर हम नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो राम विल बी टेकिंग 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, राइट, 5 यूनिट्स ऑफ टाइम. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ राउंड्स ट्रेवल करेगा राम जो है वो 3 करेगा और उस उतनी देर में रहीम जो है वो 5 राउंड ट्रेवल करेगा. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 3 बनेगा, राइट? होपफुली इट इज क्लियर. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज सेइंग विमला स्टार्ट फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM, रीचेज एग्जैक्टली ऑन टाइम इफ शी ट्रेवल हर यूजुअल स्पीड एट 40. तो अगर वो 40 से चलती है, डिस्टेंस टी है, तो हाँ वो टाइम पे पहुँचेगी ऑन टाइम. नाउ शी इज़ लेट बाई 6 मिनट इफ शी ट्रेवल्स एट 35. तो अगर वो 35 km/h पे चलती है, यहाँ से 6 मिनट लेट हो जाएगी, राइट? तो वेन एवर यू आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस विद स्पीड डिफरेंस, हाँ, तो आपको हमेशा टाइम का गैप मिलेगा. तो अगर मैं S1 और S2 को देखता हूँ तो 40 to 35, दैट इज़ 8 और 7, स्पीड आपने 8 से 7 कर दी, तो टाइम जो है उल्टा हो जाएगा 7 to 8, यू आर टेकिंग मोर टाइम. तो मेरे हिसाब से जो टाइम गैप है वो 1 यूनिट का टाइम गैप है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 मिनट है, इसका मतलब अगर मैं T1 टाइम की बात करता हूँ तो 7 × 6, 42 मिनट पहले लग रहे थे विमला को ऑफिस पहुँचने के लिए. सो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड है 40 पहले और 42 मिनट लग रहे हैं, इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे वाई सो, बिकॉज हमको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. दिस इज इन KMPH, तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज 6 × 7 = 42, आई कैन से 28 किलोमीटर विमला का ऑफिस का डिस्टेंस है. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस.
देन स्टॉप फॉर 8 मिनट। अभी ये क्वेश्चन कराया था स्पीड, जिससे कि वो ड्राइव करे एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचने के लिए। थोड़ा सा इसको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, ऑन 1 डे की बात करता है, तो 1 डे में इसने किया क्या है विमला ने, शी कवर्स 2/3 ऑफ डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम, राइट। तो अगर मैं इसका यूजुअल टाइम देखूंगा तो यूजुअल टाइम इसको लग रहा है कितना, 42 मिनट्स का इसका यूजुअल टाइम है और डिस्टेंस है इसकी 28 किलोमीटर। नाउ इट इज एज पर द स्टेटमेंट, 1 डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम, राइट। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि जो भी उसके पास टाइम था कितना था 42 मिनट्स, और डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ पे कितना दे रखा है डिस्टेंस 28 किलोमीटर, ठीक है, एंड उसके बाद 8 मिनट का स्टॉपेज है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, दैट इज 1/3, 2/3, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हो गया 2 × 2/3 ऑफ 28, तो 56/3, तो बैलेंस कितना बचा है 28 − 56/3, तो ये बचाएगा 84 − 56/3, सो 28/3। अभी ये बैलेंस रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, दैट इज़ 14 मिनट उसने ले लिए, प्लस 8 मिनट का स्टॉपेज है, तो 22 मिनट तो उसके कंज्यूम हो गए। तो अभी उसके पास कितना समय बचा है, 20 मिनट बचा है। हाँ, तो बैलेंस टाइम जो है उसके पास अभी 20 मिनट्स हैं टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। वाई सो, बिकॉज 42 मिनट्स में वो ऑफिस पहुँच सकती है, 22 मिनट उसके ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, तो शी हैज़ 20 मिनट्स टू रीच ऑफिस। सो वट इज़ द स्पीड, 28/3 और 20 मिनट्स हैं, तो डिवाइड बाई 20 और 60 ऊपर आ जाएगा, 22, बिकॉज उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो 23 जाए और 3 से 3, तो उसकी स्पीड 28 km/h की होनी चाहिए सो दैट सी कैन रीच द ऑफिस ऑन टाइम। माई आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सुनील रवि अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, 3 किलोमीटर का लेंथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम एट द सेम टाइम सेम पॉइंट एंड गोइंग द क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सो वी हैव अ सर्कल, यहाँ पे अनिल सुनील और रवि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 15, 10 और 8, राइट, KMPH दे रखा है तीनों का KMPH। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको निकालना है टाइम टेकन बाय अनिल एंड सुनील टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम का यदि हमको टाइम निकालना होता है, ये होता है लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, हाँ, लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन द रिलेटिव स्पीड। तो आई कैन से कि तीनों के लिए लेंथ ऑफ ट्रैक तो 3 किलोमीटर रहने वाला है, तो टाइम टेकन बाय अनिल टू मीट सुनील, तो 3 किलोमीटर, उनका रिलेटिव स्पीड कितना है, दैट इज़ 5। तो आई कैन से 3/5 का मतलब हो गया इनटू ये आवर आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 36 मिनट है, तो 36 मिनट में वो मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन बोलता है हमसे बड़ा सिंपल सा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रवि, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रवि 36 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 36/60, और रवि की स्पीड दे रखी है 8, तो 4 से 2 और 4 से 15, 3 से 5 और 3 से 12, 24/5 और आई कैन से 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था, लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है बट क्वेश्चन ईजी था। वी हैव अनदर क्वेश्चन, टू कार्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग एट ट्रेवल सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग एट 10 AM एंड 11 AM रेस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे, ठीक है। तो एक 10 बजे चलती है कार और एक 11 बजे चलती है। नाउ दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों सेम टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। मान लो आपको ऐसे भी जाना है, सो जितना भी टाइम इसने लिया है टी टाइम, तो इसके पास 1 घंटा कम है ट्रैवल करने के लिए। हाँ, मान लो ये फॉर एग्जांपल जस्ट 6 बजे पहुँचे, तो 6 बजे के लिए इसने 8 घंटे की ट्रैवलिंग करी है, तो इसके पास 7 ही घंटे, वाइस और बिकॉज ये 11 बजे चली है, तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस है 1 आवर का है, ये आपको क्लू देना चाहता है, राइट। उसके बाद इफ फर्स्ट कार ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 6 आवर, कम से कम 6 घंटे तो चलिए, तो टी की वैल्यू 6 या उससे बड़ी है, फर्स्ट कार की बात कर रहा हूँ, देन हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार शुड एक्सीड फॉर द फर्स्ट कार, ठीक है। तो अगर मैं 6 घंटे की बात करूँ, मैं 6 ही घंटे ले लेता हूँ, तो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, हाँ, ट्रैवल आपके पास डिस्टेंस
बट स्पीड भी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, तो मैं स्पीड को इसको पहले वाले को एक्स मान लेता हूँ और दूसरे वाले की स्पीड को वाई मान लेता हूँ, तो एक्स इंटू सिक्स, तो सिक्स एक्स तो चलेगी राइट। नाउ सेकेंड वाले को भी हाँ ये बोलता है सिक्स आवर, द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार शुड एक्सीड पहली, तो उसके पास अभी सेम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस है सिक्स एक्स, सो स्पीड ऑफ सेकेंड जो वाई स्पीड है कितना होना चाहिए, सिक्स एक्स आपके पास डिस्टेंस है और उसके पास अभी अगर आपने यहाँ पे 6 घंटे काउंट किए हैं तो यहाँ पे 5 घंटे आपके पास होने चाहिए, 1 घंटा कम होगा, तो आई कैन से 1.2x राइट, 1.2x, तो इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड 1.2x है, तो आप सोच के देखो कि एक्स और 1.2x ये कितना ज़्यादा है, दिस इज 0.2 ग्रेटर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज़ अराउंड 20% भाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 1 और 1.2 को आप कंपेयर करेंगे तो 10 और 12 का रिलेशन है, तो 2 ज़्यादा विद रेस्पेक्ट टू 10, 20%, तो 20% राइट आंसर है। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 3 horses द फर्स्ट बीट सेकेंड बाई 11 मीटर, ठीक है, तो हॉर्स नंबर 1, हॉर्स नंबर 2, हॉर्स नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक राइट, तो इसने अगर L ट्रैवल किया है तो इसने L माइनस 11 ट्रैवल किया है एंड थर्ड को 90 से बीट कर दिया, L माइनस 90, सेकेंड वाले ने हराया थर्ड वाले को 80 से, तो आपको सेकेंड वाले को पूरा डिस्टेंस कवर अप कराना पड़ेगा, दैट इज द जो भी लेंथ ऑफ द रेस है, तो इसने अगर L किया होगा तो इसने L माइनस 80, तो इन जनरली इन द क्वेश्चंस ऑफ रेसेस जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, आप स्पीड चेंज नहीं कर सकते अंटिल क्वेश्चन में बोला जाए, तो इसका मतलब कि अगर मैं स्पीड रेशियो देखता हूँ H2 और H3 का, वो मेंटेन होना चाहिए, तो पहले वाले केस में L माइनस 11, L माइनस 90 और यहाँ पे L अपॉन L माइनस 80, नाउ दिस क्वेश्चन इज नथिंग एक्चुअली, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर पाता हूँ L स्क्वायर माइनस 91L हो जाएगा ये, एंड दिस इज 80 × 11 दैट इज 880, दैट शुड बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस का 90L, तो एल स्क्वायर का कोई सेंस है नहीं, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ L की वैल्यू 880 मीटर आ जाएगी, दिस वॉज द लेंथ ऑफ द रेस, तो 880 मीटर इसका राइट आंसर है, टीटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सो क्वेश्चन वॉज लाइक इट, टू व्हील्स ऑफ बाइसिकल्स ए एंड बी हैव रेडियाई 30 cm एंड 40 cm राइट, तो यहाँ पे दो पहिए हैं, एक छोटा पहिया है और एक बड़ा पहिया है, इसका रेडियस 30 cm है और इसका रेडियस 40 cm है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, एक व्हील जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक राउंड में 2πr करता है 1 राउंड में, तो अगर उसने n राउंड कवर अप की है तो n इंटू 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही कंसेप्ट है यहाँ पर राइट, तो ये बोलता है वाइल ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रेवोल्यूशन देन ईच व्हील ऑफ बी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अगर मैं इसको ए और इसको बी नाम देता हूँ तो ए कितना होगा भाई, इसने n1 रेवोल्यूशन किया होगा, रेवोल्यूशन डिफरेंट है, 5000 ज़्यादा बोलता है ना, ठीक है, तो ये काम ना करें इसको हम 5000, ठीक है, तो अगर मैं इसको n1 मान लेता हूँ, चलो n मान लेता हूँ, इसने n रेवोल्यूशन करे तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 2πr, आर यहाँ पे 30, आप इसको किलोमीटर मीटर में बनाइए, सब कुछ कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो b कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये अगर a 5000 ज़्यादा ले रहा है तो b 5000 कम लेगा, n माइनस 5000, वन एंड द सेम थिंग इंटू 2πr और इसका रेडियस है 40, यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात, तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, बस मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से, आई कैन से जो 3n की वैल्यू है वो 4n माइनस 20000, एन यहाँ पर एन जो आ रहा है 20000 आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 20000, सो दिस इज द रेवोल्यूशन ट्रेवल्ड बाय द रेवोल्यूशन जो कि ए ने बनाई है, तो रेवोल्यूशन ऑफ ए है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ रेवोल्यूशन ऑफ बी वो 5000 कम होगा तो 15000 हो जाएगा, होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बोलता है हमसे कि बी ने इस डिस्टेंस को 45 मिनट्स में ट्रैवल किया तो स्पीड निकालना, अभी स्पीड निकालना कोई मुश्किल काम है भाई, स्पीड तो कोई भी निकाल सकता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और किलोमीटर पर आवर करना है, तो डिस्टेंस इसने कितना किया 15000 रेवोल्यूशन 2πr, इसका रेडियस 40 है ये सेंटीमीटर में है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो
पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड, फिर 1000 से करेंगे, क्यों? क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो आपके पास आ गया डिस्टेंस। टाइम कितना होगा? टाइम है 45 मिनट्स। अब इसको भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60, बट ये 60 जो है वो कूद के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, ऐसे हो गया। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, बहुत प्यार से कट जाएगा, ये कट गया 15 3 45, और ये 20 से ये 20 भी कट गई, सब कुछ कट जाएगा यहाँ पे, और रियल और 3 2 6 हो गया राइट, तो 2 4 8 2 16, तो 16 पाई इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन राइट, दिमाग ही लगाना है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, करीब 10-12 और क्वेश्चन बचे हैं, सो दैट आपका जो TST का जो PYQ सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस PDF आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और इसको शेयर करो दोस्तों, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, सो दैट आई कैन गिव यू और अच्छा कंटेंट। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।